है, लेकिन हवा बहुत ठंडी आ रही है, काफी ऊंचाई पर है ये टेम्पल, काफी ऊंचाई पर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और लेट उठा हूँ आज क्योंकि काफ़ी लेट नाइट में एडिटिंग करता रहा, और अभी क्लासेस भी लेनी है मुझे। तो टाइम हुआ है 8:35, और 8:50 से मेरी क्लासेस होती हैं। आज 3 क्लासेस हैं, तो अब मैं मिलता हूँ क्लासेस लेने के बाद, और जब नहाऊंगा फ्रेश होकर फिर मिलते हैं। सो गाइस, आ गया हूँ अभी नहाकर, और टाइम हुआ है 12:30। तो अभी डिसाइड किया है मैंने, एक मंदिर है हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत, काफ़ी टाइम से मैं वहाँ जाने को था तो जा नहीं पाया हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं उस मंदिर के लिए। रेडी हो गया हूँ क्योंकि आज ब्रेकफास्ट करना नहीं था, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं इसलिए मैं लेट ना आया हूँ। अप्रॉक्सिमेटली 12:15 बजे गया था नहाने के लिए। तो चलते हैं मंदिर, एक शंकर जी का बहुत खूबसूरत मंदिर बना है हमारे यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स है, तो चलते हैं भाई। सो गाइज, हो गया हूँ रेडी। रेडी किया मैंने, स्लीपर्स ही डाल रखे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं। लेदर की बेल्ट भी नहीं पहनी है मैंने, वॉलेट भी नहीं लिया है, तो बस नहाया हूँ, चेंज किया है और जा रहे हैं, निकलना है विदिन अ 5 मिनट। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आप देख सकते हैं, सूरज पीछे आ चुका है हमारे, तो मौसम अच्छा है, प्रसाद चलते हैं चलाने, तो निकलते हैं। तो गाइज, ये हैं शिवम त्रिवेदी, छोटे भाई हैं हमारे, तो प्रसाद इनसे मैंने मंगवाया था, तो ये प्रसाद अभी लेकर आ गए हैं। तो मिल गया ताज़ा है प्रसाद, हाँ ताज़ा है। चलो चलते हैं, ये भी साथ में चलेंगे, और चलेंगे हमारे सामने फोटोग्राफी करा रहे हैं ऋषभ, जिनके फोटो क्लिक किए जा रहे हैं, तो निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं। सो गाइस, निकल गए हैं हम लोग, अभी आए हैं कांट, क्योंकि वाया कांट जाते हैं, पहले हमें पहुंचना होगा मदनापुर, फिर मदनापुर से जाना होगा फिरोजपुर मंदिर के लिए, तो चलते हैं गाइस। मौसम अच्छा है, धूप अच्छी है, पहुंचते हैं। गए हैं मदनापुर, और मदनापुर जब मैं पहुंचता हूं, यही शॉर्टकट है जो मैं बरेली जाने के लिए यूज़ करता हूं। जब मैं राइट हैंड टर्न लेता हूं तो मैं बरेली जाता हूं, और आज मंदिर जाना है हमें, तो मंदिर के लिए हमें लेना है लेफ्ट टर्न। सो गाइस, पहुंच गए हैं मंदिर, आप पीछे दिख रहा है इसका एंट्रेंस गेट, अभी छोटा वाला गेट खुला हुआ है साइड में घुसने के लिए, तो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर। मंदिर को मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, तारीफ तो मैंने बहुत सुनी है इस मंदिर की, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी ने अपना पूरा खेती वेती कर रखी है इसके अंदर। तो गाइस, ये है खूबसूरत मंदिर जो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन से बनाया गया है। तो गाइस, ये मंदिर के जो कहते ना नीचे है, ये एक हॉल बना हुआ है यहाँ हवन हवन वगैरह होने के लिए, और ये मंदिर पर जाने का रास्ता है, तो चलते हैं ऊपर। कंप्लीट हो गई है, और शंकर जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, क्योंकि हम 3 लोग थे, एक भैया और आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, उन्होंने चढ़ा दिया था। मंदिर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ इन्होंने उसके चारों तरफ बाग कर रखे हैं, आंवला के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं। प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 14 या 15 किलोमीटर ही है, और एक ऐसे एरिया में है जो चारों तरफ खेत ही खेत है। जब हम ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू मिल रहा है चारों तरफ से। तो अभी हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, चलते हैं हम घर। जय शंकर जी का नाम, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। तो गाइज, ये हैं आंवले के पेड़, आप देख सकते हो कितना सारा आंवला लगा हुआ है इनमें, और नीचे भी पेड़ है एक जिसमें काफी बड़े हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यही होता है, हमारे जो पंडित जी हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो हमेशा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, चारों तरफ पेड़ हों,
तो ये हमारे शंकर जी हैं। जय शंकर जी, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप उनकी भी मनाएं पूरी करें, सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें, सबके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। तो चलते हैं, जय महादेव। ये लंगूर महाराज भी बैठे हुए हैं मंदिर में, लेकिन ये डोमेस्टिकेटेड हैं। आप देख सकते हैं इनके रोप बंधी हुई है, तो ये यहीं रहते होंगे। तो फ्रेंड्स, हो गई है हमारी पूजा, अब निकल रहे हैं। ये लोग शूज पहन के आए थे, ये शूज पहन रहे हैं। मैं तो स्लीपर में ही आया था, क्योंकि मंदिर वगैरह में जूते पहन के ना जाओ, क्योंकि बाहर उतारने पड़ते हैं, फिर चलना पड़ता है। लेदर की बेल्ट भी ना पहन के आए, वॉलेट भी ना लेके आए। तो चलते हैं अभी हम घर वापस। आ गए हैं हम घर। काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र। बैठे हुए हैं हमारे दोनों छोटे भाई, तो पार्क करते हैं गाड़ी को, मिलते हैं बाद में। सो गाइस, टाइम हुआ है 8:30, और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड अप करता हूँ। तो मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा रेड बटन जो है ना, वो ग्रे अच्छा लगता है, रेड अच्छा नहीं लगता है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय हिंद की सेना।